इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संस्कार सागर पंचपल्यती इंदौर। दिशाओं की मर्यादा करने के उपरांत उस क्षेत्र में भी व्यक्ति अनर्थ के कार्य करता रहता है। उस अनर्थ के कार्य को रोकने के लिए परम पूज्य हमारे आचार्यों ने एक हमारे लिए उपदेश दिया है कि अनर्थ व्यर्थ के कार्यों से न जुड़ें। उन व्यर्थ के कार्य में जहां पाप उपदेश है, हिंसा का दान देना है उपकरणों का। और आज एक और नई बात बताई जा रही है कि व्यक्ति सोते सोते जब तक नींद नहीं लगती है तब तक वह बहुत सारी बातें सोचता रहता है। उन सोची हुई बातों में वह सोचता है किसी भी पड़ोसी का बुरा हो जाए, दुश्मन का बुरा हो जाए। वो यहाँ तक कहता है जय जय बजरंगबली, दुश्मन की तोड़ दो नली की नली। यानी इसका मतलब वो है किसको दुश्मन मानता है, किसको दोस्त मानता है। परंतु किसी की पत्नी मर जाए, किसी के पुत्र मर जाए, किसी का क्या हो जाए, नुकसान हो जाए, दूसरे की हानि कराने का चिंतन जब करता है राग द्वेष के कारण से, किसी का वध हो जाए, कोई के बंधन हो जाए, किसी का छेदन हो जाए, तो दिन रात बैठे बैठे सोते जागते भी व्यक्ति व्यर्थ का चिंतन करता रहता है। इस चिंतन के लिए हमारे आचार्यों ने अपध्यान अनर्थ दंड कहा है। अनर्थ दंड, इस अनर्थ से व्यर्थ हमें विरक्त होना चाहिए, क्योंकि हम जितना किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच पाते हैं, सकारात्मक सोच हमारे नहीं बन पाते, नकारात्मक सोच अपने आप बन जाते हैं, ईर्ष्या के कारण से बन जाते हैं, अथवा हम उनके किसी के लिए उन्नति देखने के हम विचार नहीं करते हैं। हम किसी के उन्नति, मेरी भावना में कहा है देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरें। हम दूसरों की बढ़ती को देख करके ईर्ष्या भाव न करें, ये मेरी भावना होना चाहिए। लेकिन हमारे सामने इससे बिल्कुल विपरीत स्थिति होती है। हम अपने भाई, अपने पुत्र, यहाँ तक कि हम कभी कभी अपने गुरुओं की भी बढ़ती को देखना नहीं चाहते हैं, ये हमारी स्थिति बन जाती। गुरु भाई की बढ़ती नहीं देखना चाहते। अगर प्रभावना हो रही है तो उस प्रभावना को हम अपने प्रभावना को आगे दूसरे की प्रभावना को हम कुछ नहीं समझना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में हम आपस में दुर ध्यान करते रहते हैं। जब किसी की बुराई हमारे सामने आती तो हम बड़े रुचि के साथ निंदा को सुनते हैं, क्योंकि निंदा के रस का कुछ टेस्ट ही हमें अलग आता है। परंतु ये अपध्यान कहलाता है। जिन शासन में इसे आचार्यों ने अपध्यान कहा है, और इस अपध्यान से बचने के लिए हमारे आचार्यों ने सबसे पहले हमें उपदेश दिया है। ये मानवता के नाते, इंसानियत के नाते, हम अगर पाकिस्तान में भूकंप आ जाता तो खुश क्यों होते हैं? हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि मरने वाले लोग पाकिस्तानी नहीं हैं, मरने वाले लोग एक इंसान हैं, उनके खून में और हमारे खून में लाल ही रंग होगा, उनका कोई दूसरा रंग नहीं होगा। परंतु हम किसी की जाति, किसी संप्रदाय से विद्वेष रख करके हम उनके बुरे की बात सोचते हैं। हम उन पर आई हुई आपत्ति के टूटे हुए पहाड़ को सुन करके खुश होने लगते हैं, मजे लेने लगते हैं। यह हमारा अपध्यान है, और यह अपध्यान हम बहुत अधिक मात्रा में करते हैं। लेकिन हमें विचार करना चाहिए कि दूसरे की खुशी में तो हमें खुशी होना चाहिए, पर दूसरे की खुशी में गम क्यों होता है? हम दूसरे की खुशी को अच्छे से सकारात्मक रूप में क्यों नहीं लेना चाहते हैं? दूसरे की खुशी के लिए हम देख करके खुश क्यों नहीं होना चाहते हैं? हम दूसरे को सुखी देख करके दुखी होते हैं। यह हमारे अपध्यान, दुर्ध्यान का परिणाम है। इसे आचार्यों ने ध्यान नहीं कहा है, इसे दुर्ध्यान कहा है। और ऐसे दुर्ध्यान के कारण से व्यक्ति जो होता है धर्म के नाम पर पाप कमाने लगता है। अपध्यान, दुर्ध्यान से बच जाएंगे, और जब इस दुर्ध्यान से बच जाएंगे तो हमारा निश्चित तौर पर आत्मा का कल्याण।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्शक थे संस्कार सागर पंचपाल्यती इंदौर।